हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मारियो मिरांडा, जो गोवा के आर्टिस्ट थे। अब हमारे बीच नहीं हैं, बट उनके आप आर्टवर्क देख सकते हो। उनका एक गैलरी है जो साइट पे आपको फोटोग्राफ्स दिखाई जा रही हैं। वहाँ पे उनके कैरेक्टर जो बनाए गए हैं सुमिनियर्स के तौर पे बेचे जा रहे हैं। उनके प्रिंट्स, उनके स्कल्पचर्स, उनके कार्टून के बनाए जाते हैं और बहुत सारी जगहों पर वो लगे हैं। और इन्होंने कैप्चर करा है लाइफ को गोवा की और मुंबई की। वेल, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसके बारे में कि इस वीडियो को किस तरह से देखें। ये जानना बहुत ही खास है, बट आप इनकी कंपोजिशन को देखिए। ओके, जो देखने वाली बात है। और आप इसे ऐसे देख सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी कंपोजिशन को कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इंसिस्ट करूँगा अपना स्टाइल बनाइए जैसे कि इन्होंने बनाया, जैसे कि हर कोई आर्टिस्ट बनाता है। यही तो आर्ट की खोज है कि अपने अंदर तलाशना है आप। और आप देख सकते हैं इनके लाइन वर्क किस तरह से अलग है, कंपोजिशन और जिस तरह से इन्होंने व्यक्त करा है आम जिंदगी को, खास जिंदगी, जैसे कि पॉलिटिशियन उस समय में कैसे के थे या एयरलाइंस में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं और जो सीन कट करे जा रहे हैं। सी, इट्स अ सटायर। एक कॉमिक आर्टिस्ट और एक कार्टून आर्टिस्ट ऐसे ही, आई मीन इलस्ट्रेटर नहीं होते जो ये प्रेजेंट करते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रेजेंट करते हैं समाज के ऊपर किया गया इनके द्वारा एक व्यंग। अब आप ये हर एक जो कार्टून है उसे आराम से देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, जूम करके। तभी मैंने इसे हाई डेफिनेशन पे रिकॉर्ड किया है। मैं इसे अपलोड भी वैसे करूँगा ताकि ये आपकी हेल्प कर सके। सो हर एक उनकी कार्टून्स हैं जो जिस तरह से कंपोज किए गए हैं, इतने सारी भीड़ को किस तरह से एक जगह पे लाया गया है। और ट्रेन का सीन हो गया है डेली लाइफ में, और उस समय जैसे आज़ादी के समय की बात है या उसके बाद जब इंदिरा गांधी के टाइम की थी, या मुंबई में जो भी पॉवर्टी है किस तरह से दिखाई गई है एक फनी सटायरिकल वे में। तो मतलब शॉपकीपर से लेके आर्मी वाले, इस तरह से इन्होंने दिखाए हैं। तो आप, आई इंसिस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एनालाइज करेंगे तो यू विल फाइंड अ वेरी डिटेल्ड वर्क, और इट्स अ वेरी सीरियस वर्क, क्योंकि एक स्टाइल को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। और उस समय जब इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब इन लोगों ने नाम कमाया है। इन्हें चाहने वाले तब थे, अभी भी हैं, और अभी तो मतलब ही इज़ लाइक रॉक स्टार। मेनली इनकी एजुकेशन बाहर की थी, लेकिन इन्होंने बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट के साथ काम करा है, जैसे कि आर के लक्ष्मण। और इनकी तुलना चार्ल शुल्स से भी की जाती है, जो कि अमेरिकन कार्टूनिस्ट थे, के कार्टून थे मिस नींबू पानी, जैसे कि आर के लक्ष्मण जी का था द कॉमन मैन। वेल, मारियो जी की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी फाइन आर्ट्स को लेकर, बट इनकी जो परवरिश थी और इनके आसपास जो लोग थे और इनकी मामा ने जो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करा है, इन्हें उस तरफ भेजा और जिनसे ये सीख पाए, वो बहुत ही उम्दा मतलब क्वालिटी के बंदे थे जिनसे इन्होंने सीखा है। फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन जिनसे इन्होंने सीखा है वो जैसे सागर में गागर भरने वाले उस्ताद लोग थे। तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हुई है, मैं तो कहूँगा। इन्हें अपने समय में लगता था कि बेस्ट में ज़्यादा इन्हें प्रेज किया जाता है, जबकि यहाँ पे इतना ज़्यादा है नहीं अपना चलन, एज इन यू नो। इन्हें 2002 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था, और एक पुराना जो सॉन्ग आता था उसमें भी जैसे सभी महान कलाकारों को दिया गया था, और पे उन्हें भी इनका ख़ास एक शॉट दिए गए थे। अपने समय में 50 साल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्टवर्क प्रोड्यूस करे, जिनका अभी ये रिप्रोडक्शन चल रही है, और आप इनके बाय कर सकते हैं जब भी आप गोवा जाएं, सुविनियर्स इनके गैलरी में या म्यूज़ियम में जाकर। कैफे मोंडेगार में आप मारियो द मिरांडा के सभी कार्टून्स उनकी वॉल के ऊपर डेकोरेटेड देख सकते हो। मैं भी वहाँ पर विज़िट किया था। इट इज़ अमेजिंग टू सी हिज़ वर्क ऑन वॉल। एक आर्टिस्ट को इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, अप्रिसिएट करने के लिए इतना सेंसिटिव किसी का होना, या जो मेन ओनर है वो इतने सेंसिटिव हैं कि उन्हें इतनी इज्जत दी जा रही है, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। वेस्ट में भी तो ऐसे ही होता है, अपने यहाँ पे ज़रा काफ़ी कम है। अभी तक जो मेरे देखने में आया है वो ये है कि आप
के आर्ट को अगर आपने प्रोड्यूस कर लिया है या आपने डेवलप कर लिया है, तो आपकी एक जिम्मेदारी और है कि उसे सही जगह पे भी लेके जाना है जहाँ पे सेंसिटिव उतने लोग हैं या एजुकेशन उनकी इतनी ज़्यादा है कि वो आर्ट जैसी क्राफ्ट से समझ सके। ऐसे लोग अगर आप अपने आसपास रहेंगे तो मतलब आप निराश ही होंगे, क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है, उनकी एक अपनी दुनिया है, वो वैसे ही रहना चाहते हैं। और जब भी उनमें कोई अलग आर्टिस्ट टाइप कोई बंदा आ जाता है, आजकल थोड़ा सिंगिंग को समझना शुरू करा है, लेकिन अगर उसमें कोई आर्टिस्ट जैसे कोई पेंटिंग वगैरह वाला आ जाता है या कार्टूनिस्ट आ जाता है, तो वो उनके लिए एक एलियन है। तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बस स्थान परिवर्तन करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों में अपना माथा मार के कोई फ़ायदा नहीं आपको, आपकी एप्रिसिएशन वहाँ, देखो जिस चीज़ का किसी को पता ही नहीं है वो कैसे एप्रिशिएट कर सकता है। तो चलो बैक टू द टॉपिक, अभी ये कंपोजिशंस आई मीन दे आर अमेजिंग। आप इसे डिज़ाइन करते हुए देखना, इनकी जो अलाइनमेंट है या इनका जो जेस्चर ड्राइंग है, अभी इसमें देखो कितना डांस का वो जो फ्लो है, वो एनर्जी है, वो दिखाई दे रहा है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और दूसरी तरफ जो एक वो ड्रामा चल रहा है एक फैमिली के साथ, उसे देखिए। और टीथ को, आईज़ को देखिए, ये इनका एक सिग्नेचर मूव था कि हर एक की आईज़ बड़ी होती थी। अब ये देखो आर्टिस्ट वो उसने बनाया, वो मंत्री समझ रहा है कि वो बच्चे ने बनाया है, ऐसे बच्चों वाले आर्ट वर्क है, तो आर्टिस्ट पीछे गुस्सा है। तो ये लाइन पीछे ड्रॉ कर दी है जिसने डिवीजन का, जिसे बहुत शौक चढ़ा हुआ है। तो ये उस टाइम की बातें हैं। अब ये देखो मंत्री के लिए जगह खाली है और आम जनता के लिए भरा पड़ा है सारा, तो खचाखच ये जर्नल और उसका है। तो आपके मन में जो सवाल हैं वही तो सवाल शुरू से हैं इंडिया में, और वही इन्होंने जाहिर करे हैं इसके। अब ये काफ़ी अच्छा है, पियानो वाले के टीथ भी पियानो जैसे हैं। तो दैट इज़ सी, मतलब आम जो ज़िंदगी में आपको दिखाई देता है उससे ज़्यादा आप क्या देख सकते हो। दैट इज़ द थिंग, के जस्ट एक इलस्ट्रेशन ही, एक कहानी तो बयां करती है लेकिन समाज के ऊपर एक व्यंग भी दे रही है। तो आप इसे मतलब देखेंगे तो इट्स आई मीन एक फ्रेशनेस है, इतने सालों के बाद भी एक फ्रेशनेस है। अब वो देखो उसने रेनकोट पहना है और वो बिना रेनकोट के एंड वो छाता लेके भी ऐसा ही है। तो ये मुंबई में ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ज़िंदगी को देखा गया है बहुत पास से। तो ये देखो कॉर्नर लेफ्ट हैंड साइड पे शायद मारियो ने खुद को ही बनाया है। और अब ये देखिए सटायरिकल है, अब इसमें अलग अलग तरह के पेन भी अगर यूज़ करे गए हैं तो बेसिकली है कि आपको ड्रॉ करना आता है। अब ये देखिए बच्चों का कितना वो कंपोजिशन को बैलेंस भी किया गया है, तो बच्चों के साथ कंपोज किया गया ना फिगर के साथ, उसे बैलेंस भी किया गया। अब ये स्क्रीनशॉट लेके आप इसे पढ़िए, इसके नीचे कैप्शन पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए कि आर्टिस्ट ने क्या कहा है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक आर्टिस्ट तो हो, ओके। अब ये देखो इतनी भीड़ में उस चीज़ को प्रेजेंट करना, उसने देखा है सारा कुछ और मेमोरी उस तरह रखना, तो मोबाइल भी नहीं थे तो उसका स्केच करते थे लाइव, इन्होंने घंटों बिताए हैं लाइव स्केच करने के लिए। तो अगर आप सोचते हैं कि कोई चिप आपके माइंड में पड़ जाएगी जैसे ये देखते ही इसी का स्टाइल आप अडेप्ट कर लोगे AI के जैसे, तो AI भी अगर आपने काम करा तो आपको समझ होगी कि वैसे नहीं वर्क करता, ओके। और इस अगर ऐसा करवाना भी है तो इसी को पहले जानना पड़ेगा, इसकी लाइनिंग को, वो कैसा है, क्यों है, कंपोजिशन कैसी है, लाइन वर्क है, सिंगल लाइन है, डबल लाइन है, क्रॉस हैच है, तो सब कुछ आपको उस AI वाली जो ऑप्शन में बताते हैं उसमें भरना पड़ेगा, फिर होगा। ये देखो हम्प्टी डम्प्टी जैसा उसका चेहरा है। तो आई मीन सी आम लाइफ के अंदर से जो जोक्स निकल सकते हैं, ये जोक्स उसने अपने पेन के साथ ड्रॉ करें, तो आई मीन मज़ा है यार। अब ये देखो एक दूसरे को देख रहे हैं, उनकी जो स्तर है जो लेवल है बात करने का वो अलग अलग है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। और ये डिब्बे वाला जो लंच बॉक्स है ना, ये ब्रेक, तो ये मुंबई का बहुत फेमस है। अब ये अवार्ड को देखो, कंपोजिशन देखो यार, और हर एक करेक्टर को देखो, हर एक करेक्टर अलग है, इतने सारे करेक्टर एक आर्टिस्ट के अंदर से निकलना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, यू नो।
और फिर उसे एक्सप्रेसिव वे में बताना, और फिर लाइंस कहाँ लगानी है, विदाउट कलर है ये, मतलब उन्होंने कलर भी बहुत सारे काम करे हैं लेकिन विदाउट कलर। अब ये देखो टॉक लेस, तो वो सब बातें करे जा रहे हैं, और ये एक स्ट्रीट सीन है, ठीक है। तो अपने इंडियन स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा रिच इन कल्चर हैं, तो उसे ये आर्टिस्ट के लिए बहुत सही जगह, मतलब फिरंगा का तो यहाँ पे एकदम हैरत में पहुँच जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, यहाँ मेला लगा पड़ा है, तो 24 घंटे मेला ही है। अब वो देखो वो जर्नल है वो कितना अनअटेंडेड है, और यहाँ पे वो घाट के ऊपर बंदी है, कोई आ गई है नहाने के लिए और वो पैर उसके उधर पड़े हैं, तो सही मतलब आर्टिस्ट ने देखा है। अब ये देखो मोहल्ले का सीन है, और कंपोजिशन देखो आप, इतनी सारी चीज़ें एक जगह पे डाल के उसे मैनेज करना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और आपको अपने साथ समय बिताना ज़रूरी है, ये मुंबई का रेन वाला मोमेंट है, तो वहाँ पे 3-4 महीने बरसात होती है और बहुत सारे इन्फेक्शंस और बीमारियाँ भी होती हैं तब, तो अपने साथ समय बिताइए। ये स्टाइल ऐसे नहीं निकलते, आपको लोगों को और चीज़ों को समझना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा। ये देखो इतने सारे लोग, जो को एक ब्लैक है ज़्यादा ही, तो उसे ब्लैक ही बनाया है, उसकी आइज़ वाइट है, तो हर एक चीज़ को देखो, उसके हाथ को चूम रहा है, तो मतलब कंपोज भी देखो ना, कितने लोगों को वहाँ से देखते हुए, तो आँखों को आपके ना कंट्रोल किया गया है कि किस तरह से वो देखे जाएंगे। अब ये यार मुझे मतलब इतनी सारी भरी हुई अपनी कैनवस, तो मतलब मज़ेदार लगता है वो। हरी अपने बचपन में ही रीडिंग, फुटबॉल और पियानो की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, लेकिन इससे भी पहले उन्होंने ड्राइंग करना सीख लिया। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए मारियो की मामा ने उन्हें स्केच बुक्स देखने शुरू कर दिए, जो कि एम्प्टी, और वो कहते थे कि अपनी डायरी उन्हें ड्रॉ करनी, लिखनी नहीं। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, इस तरह के अपब्रिंगिंग होना, पेरेंट्स होना। बचपन में जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते, वो वापस आकर वो जो सारा एनवायरनमेंट है, जो सारा इम्प्रेशन है, इमेज है, वो उसको ड्रॉ करते थे, बट इन अ वेरी हिस्टोरिकल वे, इन अ वेरी फनी वे। पहले इसी बात ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा फेमस कर दिया अपने आस पड़ोस और अपने विलेज में, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी करते थे इसी वजह से कि वो उनका मजाक बना के, उनका फ़नी वे, जैसे मुँह मोटा, दांत बड़े, ऐसी चीज़ें बना के उनका मजाक बनाते, तो क्रिटिसिज्म साथ में ही आ ही जाता है। बट उनकी मामा उन्हें हमेशा इंसिस्ट करती कि आप अपनी डायरी बनाओ और ऐसे ही उन्हें रंगते रहो, भरते रहो एक एक स्केच से। तो ये कारवां शुरू से शुरू हुआ और फिर चलता ही गया। वेल कहते हैं कि मारियो द मरिंडा के लिए ज़िंदगी और कुछ नहीं, सिर्फ आर्ट। ऐसी कहानियाँ, ऐसे लोग हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर जाते हैं, और वो भी उस समय में जबकि मोटिवेशनल स्पीकर और ये एंथुजियास्टिक और एफर्मेशन मूवीज़ या वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं थी। वेल आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन तो अच्छी लगी हैं, और ये कोशिश भी अच्छी लगी कि आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। वैसे तो इन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो कॉलेजिएट्स हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा, इसी सोच से मैंने आपके साथ ये इंट्रोड्यूस करा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, दिस विल हेल्प द चैनल, और मोटिवेशन मिलेगा मुझे कुछ और करने का। सो डिस्ट्रीब्यूट जॉर्ज, बाय बाय।